मुंशीधर नगर के चचेरिया ग्राम स्थित पुराना पंचायत भवन परिसर में अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा की बैठक चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के अनुमंडल अध्यक्ष महेंद्र चंद्रवंशी के अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा प्रखंड कमेटी का पुनर्गठन किया गया। चुनाव पर्यवेक्षक सुबर्ण चंद्रवंशी की उपस्थिति में सर्वसम्मति से प्रखंड चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा तथा युवा चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का गठन किया गया। प्रखंड कमेटी में रमेश चंद्रवंशी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष, भरदुर चंद्रवंशी उपाध्यक्ष, गोपाल चंद्रवंशी को सचिव तथा नंदू चंद्रवंशी को कोषाध्यक्ष व सुनील चंद्रवंशी को संगठन मंत्री मनोनीत किया गया। युवा कमेटी में सर्वसम्मति से जयप्रकाश चंद्रवंशी उर्फ चुमन अध्यक्ष, विनोद चंद्रवंशी को उपाध्यक्ष, राजीव कुमार को सचिव मनोनीत किया गया। सभी प्रखंड कमेटी के सदस्यों को उपस्थित समाज के लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया। नवंबर गठित प्रखंड के दोनों कमेटियों को बधाई देते हुए अनुमंडल अध्यक्ष महेंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि नए कमेटी ईमानदारी पूर्वक कमेटी का विस्तार कर समाज को विकसित करने का कार्य करें। मौके पर जिला सचिव काशी चंद्रवंशी, रामेश्वर प्रसाद अकेला, गंगा चंद्रवंशी, राजेंद्र चंद्रवंशी, अनिरुद्ध चंद्रवंशी, विष्णु चंद्रवंशी, विनोद चंद्रवंशी, धर्मेंद्र कुमार, प्रमोद चंद्रवंशी, दिवाकर चंद्रवंशी, ध्रुव चंद्रवंशी, उपेंद्र चंद्रवंशी, मनदीप चंद्रवंशी, बुखू चंद्रवंशी, चंदेश चंद्रवंशी, महादेव चंद्रवंशी, बुंद्रिका चंद्रवंशी सहित काफी संख्या में चंद्रवंशी समाज के लोग उपस्थित थे। आज अखिल भारत वर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का बैठक नगर उंटारी केचरिया पुराने पंचायत भवन में चंद्रवंशी महासभा का बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रखंड स्तर का चुनाव कराया गया। प्रखंड स्तर का चुनाव और युवा प्रखंड अध्यक्ष का दोनों तरह का चुनाव करा करके सभी नवनिर्मित अधिकारियों को मैं अनुमंडल अध्यक्ष और जिला पर्यवेक्षक सुबर्ण चंद्रवंशी की द्वारा यह निर्देश दिया गया कि समाज में जो आप लोगों को जिम्मेवारी दी गई है, बिल्कुल निष्ठापूर्वक ईमानदारी पूर्वक समाज के हर सुख दुख में साथ चलना है और सभी को लेकर चलना है। और जो हमारा समाज का अधूरा भवन चंद्रवंशी भवन पड़ा हुआ है, उसको पूरा करने के लिए निर्णय लिया गया है। इसमें नवनिर्मित प्रखंड अध्यक्ष लोगों, युवा एवं वयस्क लोग जो घोषणा किए कि जो हम लोगों को अनुमंडल और जिला से निर्देश दिया गया है, उसको ईमानदारी पूर्वक निभाऊंगा। और भवन पर जोर देकर दोनों अध्यक्षों ने कहा जे बहुत जल्द भवन का निर्माण कराएंगे और समाज में किसी तरह का हम लोग शिकायत नहीं आने देंगे, और समाज का जो ऊपर के लोगों का दिशा निर्देश होगा उसी हिसाब से हम लोग समाज को लेकर चलेंगे। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।